गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण के अन्नकूट पूजन के मौके पर उन्हें 56 भोग लगाया गया। इस पकवान को बनाने के लिए 5 दिन तक 5 लोगों ने मेहनत की, तब कहीं जाकर अपने आराध्य को 56 भोग अर्पित किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नगर के बूढ़ेनाथ मंदिर मार्ग पर विराजमान श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की हवेली में लीलाधर गोवर्धन का भव्य पूजन अर्चन शुक्रवार को किया गया। मंदिर को आकर्षण ढंग से विद्युत झालरों एवं फूलों की आकर्षण सजावट कर सजाया गया था। सायंकाल गोवर्धन महाराज की भव्य पूजन अर्चना आरती की गई। इसके बाद भक्तों के लिए हवेली का मुख्य दरवाजा खोल दिया गया। हजारों की तादाद में उमड़े भक्तों ने कतारबंद होकर गोवर्धन महाराज का दर्शन किया। मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई थी। महिलाओं की अलग पंक्ति चल रही थी तो पुरुष अलग कतार में लीलाधर गोवर्धन महाराज का दर्शन कर रहे थे। इस मंदिर को बेटी जी के मंदिर से भी जाना जाता है। मंदिर के व्यवस्थापक दीनानाथ तिवारी ने बताया कि मंदिर में अन्नकूट के मौके पर भगवान को 56 भोग लगाया गया, जहां तौल कर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। इस प्रसाद को बनाने में 5 दिन का समय लगता है, जिसमें एक मुखिया, एक भीतरिया, एक जलघड़िया और 2 सहायक भगवान अर्पित होने वाले भोग की तैयारी में लगे थे। लो हम निकलते जाइए।